दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके हैं, भलाई करने का नतीजा क्या होता है? लोग आपसे अपना फायदा निकलवाने के बाद में आपको गड्ढे में धकेल देते हैं या आपको पीछे छोड़ देते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय सियापति राम। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आपने अपने जीवन में कई बार ऐसे कार्य किए हैं जिसको लेकर आपको अंदर ही अंदर बहुत खुशी हुई है, यानी कि आप बहुत प्रसन्नता से लोगों की मदद करने का कार्य काफी समय से करते आ रहे हैं। कभी भी किसी के लिए बुरी भावना नहीं रखते हैं और ना ही कभी किसी के लिए ऐसी भावना रखते हैं कि जिसको आप लोगों को करने के बाद पछतावा हो। लेकिन आपसे जलने वाले कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसे अपना काम निकलवा लेते हैं, लेकिन आपको गड्ढे में धकेल देते हैं या आपको बर्बाद कर देते हैं। इसलिए भलाई तो करना चाहिए, लेकिन भलाई करने से पहले भलाई करने का सही नतीजा आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, इसके साथ ही साथ इन 3 दिनों में कुछ ऐसे ही बड़े परिवर्तन आपको होने वाले हैं, आपके जीवन में चलने वाले हैं। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आज की इस जानकारी को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। गारंटी के साथ कहते हैं कि ये समय आपके लिए खास रहेगा और इन 3 दिनों के भीतर सियापति राम के आशीर्वाद से बड़ी खुशखबरी मिलेगी। आप बोलोगे, हे प्रभु, आपकी महिमा अपरंपार है, इतनी बड़ी खुशखबरी आपको इतनी जल्दी प्राप्त होगी, आपने तो अपने जीवन में कभी ये चीज नहीं सोची होगी। इसलिए दोस्तों, आप आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि आपको अंत तक वह सभी बातें बताने वाले हैं जिन्हें आपको इस समय त्यागना होगा। यदि आप त्याग देंगे तो दोस्तों, यह समय आपके लिए बहुत ही उज्जवल व्यतीत होने वाला है, तो आप इसे अंत तक देखिएगा। लेकिन उससे पहले, जो भी भक्त वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय सियापति राम, जय बजरंग बली लिखेगा तो उसे माता रानी का आशीर्वाद और सियापति राम का आशीर्वाद मिलेगा। और दोस्तों, ज़रूर लिखिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करके अवश्य सेलेक्ट करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। इस समय ग्रह गोचर उत्तम परिस्थितियां बना रहा है। समाज और परिवार में इस समय मान सम्मान बढ़ेगा। भाइयों के साथ साथ कोई विवाद इस समय समाप्त हो जाएगा। संबंध दोबारा मधुर होंगे। और दोस्तों, आपका रुका हुआ व सरकारी काम इस समय बनने का उत्तम समय है। अनुकूल परिस्थितियां हैं आपके लिए। इस समय सभी रुके हुए कार्य बनेंगे। इस समय यदि आपकी सावधानियों को लेकर बता दूं तो इस समय अत्यधिक भावुकता की वजह से नुकसानदायक स्थितियां रहेंगी। ये भावुकता आपके लिए नुकसानदायक रहेगी, इस पर थोड़ा ध्यान दें। कोई भी निर्णय प्रैक्टिकल होकर लें, यह आपके लिए बेहतर रहेगा। दिल की बजाय दिमाग से निर्णय लेना उचित रहेगा। इस बात पर आपको गौर करना चाहिए, मजाक में नहीं उड़ाना चाहिए। संकट यदि आता भी है तो वह जल्दी चला जाएगा। दोस्तों, इसके साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। भावुकता भी आपकी मधुरता प्रेम संबंधों में काफी अधिक नजदीकियां लाएगी। स्वास्थ्य काफी ठीक रहेगा, लेकिन परिवार की किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा चिंतित रह सकते हैं। दोस्तों, दिन अधिकतर समय दूसरों की सहायता तथा धार्मिक कार्यों में व्यतीत होगा। दोस्तों, परिवार की सुख सुविधाओं संबंधित वस्तुओं के लिए शॉपिंग आदि भी हो सकती है। दोस्तों, संतान से संबंधित सूचना मिलने से परिवार में उत्साह भरा माहौल रहेगा, परंतु अपने बजट का विशेष ध्यान रखना चाहेंगे। दोस्तों, आर्थिक मामलों को लेकर के किसी नजदीकी व्यक्ति से वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाना आपका स्वभाव रह सकता है। व्यवसायिक क्षेत्रों में दोस्तों, अपनी भरपूर मेहनत और क्षमता के द्वारा आप अपना टारगेट हासिल कर सकते हैं, लेकिन इस समय कुछ बदलाव भी लाने की आपको आवश्यकता पड़ेगी। वीडियो और मार्केटिंग संबंधित गतिविधियों में अधिक ध्यान देना चाहिए। और हाँ दोस्तों, नौकरी पेशा व्यक्ति अपने कार्यों को बहुत ही ध्यानपूर्वक व आसानी से कर सकेंगे। दोस्तों, आपका स्वाभिमान तथा आत्मविश्वास आपकी उन्नति में बेहतर साबित होगा। दोस्तों, परिवार में भी विद्यार्थियों की पढ़ाई या फिर करियर से संबंधित किसी समस्या का समाधान मिलेगा। सिर्फ आपको अपनी क्षमताओं का भरपूर इस्तेमाल करने की आवश्यकता है, परंतु इस समय आर्थिक अकस्मक जारी रहेगा। जी हाँ दोस्तों, इसलिए बजट पहले से बनाकर रखना बहुत आवश्यक रहेगा।
दोस्तों, संतान की कोई जिद्दी या फिर अड़िया रवैया आपके लिए चिंता का केंद्र बन सकता है। परिवार में डिसिप्लिन बनाकर रखें। दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ संबंधों में दूरियां ना आने दें। जी हाँ दोस्तों, व्यापार में कुछ चुनौतियां सामने आ सकती हैं। इस समय अपनी कार्य क्षमता को साबित करने के लिए समय दोस्तों परिश्रम और संघर्ष की आवश्यकता है। किसी बड़े अधिकारी या फिर राजनीतिज्ञ से मुलाकात आपके लिए लाभदायक रहेगी। जी हाँ दोस्तों, व्यवसायिक तनाव को परिवार की सुख शांति पर हावी ना होने दें। प्रेम संबंधों को मधुर बनाने के लिए समय देना आपके लिए अति आवश्यक है। आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, परंतु फिर भी किसी भी प्रकार की लापरवाही ना रखें। अपनी दिनचर्या और खान पान को दोस्तों एकदम संयम रखें। इसके साथ ही साथ दोस्तों, आज आपका पूरा ध्यान निवेश संबंधित गतिविधियों पर केंद्रित रहने वाला है। काफी हद तक आप सफल भी होंगे। दोस्तों, रिस्क संबंधित कोई भी कार्य आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। घर की देखरेख व सुख संबीदा संबंधित कार्य भी आपका अच्छा रहेगा। ध्यान रखें कि बहुत अधिक व्यवहारिक हो जाना कुछ नजदीकी रिश्तों में खटास उत्पन्न कर सकता है। इस समय दोस्तों घमंड की भावना ना आने दें। कोई युवा वर्ग घूमने फिरने में समय व्यर्थ ना करके अपनी शिक्षा और करियर पर विशेष रूप से ध्यान रखे। दोस्तों, कार्य क्षेत्र में आर्थिक व्यवस्था में कुछ परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। ऐसा करने से आपकी परेशानियों का समाधान अवश्य निकलेगा। और हाँ दोस्तों, सरकारी सेवारत व्यक्तियों को भी अपने कार्य के प्रति उचित योगदान देने की आवश्यकता रहने वाली है। दोस्तों, आज अचानक ही किसी घनिष्ठ व्यक्ति से मुलाकात से मन में प्रसन्नता रहेगी। संपत्ति संबंधित परिवार भी दोस्तों शांतिपूर्ण तरीके से हल होंगे। और विद्यार्थियों को किसी प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त करने से आत्मबल बढ़ सकता है। कोई मनोरंजन संबंधित प्रोग्राम बन सकता है, परंतु वित्तीय मामलों में थोड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता रहने वाली है। किसी अप्रिय समाचार के मिलने से दोस्तों मन कुछ अप्रसन्न रहेगा। व्यर्थ के कामों में धन व्यय होने से आप लोगों के घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के दोस्तों स्वास्थ्य का भी आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। व्यापार में कुछ ठोस और गंभीरता पूर्वक लिए गए निर्णय काफी फायदेमंद साबित होंगे, परंतु खुद को साबित करने के लिए एक बहुत ही अधिक मेहनत की आवश्यकता है। नौकरी पेशा व्यक्ति अपने कार्यभार को बेहतरीन तरीके से पूरा करने में शामिल होने वाले हैं। पितृ दाम्पत्य संबंधों में यदगदा तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, परंतु समय रहते हुए गलत फहमियां सुलझा लें। दोस्तों, घर में किसी नन्हे मेहमान के आने की आगमन की शुभ सूचना भी आपको मिल सकती है। स्वास्थ्य में दोस्तों कुछ न कुछ छोटे मोटे उतार चढ़ाव रहेंगे। किसी गंभीर बात की आशंका आपके लिए बन रही है, इसलिए दोस्तों लापरवाही बिल्कुल भी ना रखें। दोस्तों, अपने ईगो और क्रोध पर थोड़ा काबू रखना आपके लिए अति आवश्यक रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों इसकी वजह से आपके बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में दोस्तों किसी भारी व्यक्ति का हस्तक्षेप ना होने दें। दोस्तों, पारिवारिक तथा जीवन में तालमेल ना बन सकने के कारण परिवार में हल्का फुल्का मतभेद उत्पन्न हो सकता है, परंतु थोड़ी सी सूझबूझ रखने से सब ठीक हो जाएगा। दोस्तों, नसों में खिंचाव रखने से दर्द जैसी स्थिति रह सकती है। सिर दर्द और थकान हावी हो सकते हैं। इस समय दोस्तों योगा और व्यायाम पर अधिक ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, प्रिय मित्रों का साथ और सहयोग आपकी हिम्मत और हौसला दोनों बना के चलेगा। दोस्तों, मोबाइल ईमेल द्वारा आदि सुख समाचार मिल सकता है, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। और दोस्तों, घर में कोई मांगलिक कार्य संबंधित योजनाएं बन सकती हैं। प्रसन्नता का भी माहौल बना रहेगा। दोस्तों, आय के साधन बढ़ने के साथ साथ थोड़े खर्चे भी बढ़ सकते हैं, इसलिए दोस्तों अभी से आप अपना बजट बनाकर चलेंगे तो उचित रहेगा। तो दोस्तों, आप सभी को ये भी बताना चाहेंगे, कार्य क्षेत्र में नई उपलब्धियां आप लोगों को इस समय प्राप्त हो सकती हैं, यह आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों, आप सभी को बताना चाहेंगे कि यदि आपको लगता है कि जीवन खुशियों से भरा रहे, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। दोस्तों, इसके साथ ही साथ आप सभी को बता दें, आज आप अपने परिवार के साथ बैठकर भोजन कर सकते हैं, इससे आपका आपसी प्यार बढ़ेगा। जीवन साथी का भरपूर साथ मिलने वाला है। संतान की ओर से भी आप संतुष्ट रहने वाले हैं।
बुजुर्गों का आशीर्वाद हमेशा आप पर बनेगा। दोस्तों, कोई भी शुभ कार्य करने से पहले अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना ना भूलें। दोस्तों, इसी के साथ ही साथ आपके सभी कार्य पूरे होंगे। आप अपने परिवार के किसी भी सदस्य को अधिक याद करके भावुक हो सकते हैं। अपनी भावनाओं को थोड़ा नियंत्रण में रखें। दोस्तों, बड़े सदस्यों से सलाह लें। लाइफ पार्टनर से मुलाकात हो सकती है। दोस्तों, आप सफल होंगे, आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। आप दोस्तों अब नई साझेदारी में प्रवेश कर सकते हैं। आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा और आप कुछ महत्वपूर्ण संपर्क स्थापित कर सकते हैं। आपके विचार और कार्यशैली की सराहना की जाएगी। दोस्तों, इसके साथ ही साथ व्यर्थ के वाद विवाद से दूर रहें तथा बातचीत करते समय किसी से भी नकारात्मक शब्दों का प्रयोग ना करें। इससे संबंधों में खटास आ सकती है। कोई भी यात्रा करना और पैसे के नुकसान के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा। दोस्तों, लव लाइफ में भी बड़े परिवर्तन हैं। आप अपने सभी संबंधों को नए समय से पूरा करें। इस तरह से दोस्तों पुराने महत्वपूर्ण रिश्ते को भी आप पीछे छोड़ सकेंगे। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई विशेष जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।